सब जान खबर लेकर आया है कि डिब्बे से जो निकलेगा वैसे ही होगा, कोई गलत काम नहीं होगा, मेरिट पर होगा। बेसिकली ये पॉलिसी मैटर है और ये पॉलिसी हम सबको दे दी गई कि बाप ने भी यही बोलना है कि जो कुछ निकला है जबरदस्त हुआ है, फर्स्ट क्लास है, 100% सही है और किसी कसम की कोई गड़बड़ नहीं हुई है। जो सख्त जान का आप इसको एज ए पॉलिसी मैटर समझे, आप इनके बयान को आपने, हमने इसी चीज को लेके चलना है। और जो मैं आपसे कहता था ना ये पॉपकॉर्न साबित कर रहा है कि आपने सिर्फ हमने पॉपकॉर्न रहन नहीं लड़ाना है, पॉपकॉर्न खाने। बाकी बिलावल साहब क्या कह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं, किसी के अभी कहने से कुछ फर्क पड़ रहा है, किसी की मुहिम से कुछ फर्क पड़ रहा है, किसी की जो इलेक्शन के माहौल से कुछ फर्क पड़ रहा है? सब कुछ हो चुका है, नोटिफिकेशन का हमें और आपको जो है वो इंतजार करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि इस मुल्क के लिए बेहतर हो। इस बहस से हमें निकल जाना चाहिए कि ये वो सही होगा, गलत होगा, धांधली होगी नहीं, इस बहस को खत्म कर दिए। बहस इस इन हालात में ला हासिल है क्योंकि मुझे इस इलेक्शन के बाद इन ताकतवर सियासी लीडरों में एक और बड़ी खतरनाक किस्म की जो है वो जंग नजर आ रही है जी। पुरतशद्दुद किस्म की जो इलेक्शन के बाद नजर आ रही है। अल्लाह ताला हमें उस दिन से बचाए, उन हालात से बचाए, इंतशार से बचाए। जैसे भी इलेक्शन होने, सिया होने, सफेद होने, भाई हो जाए और इस मुल्क के लिए जो है वो खैर का जो है वो पैगाम दिया है। हमारी आपकी इससे ज्यादा की औकात भी नहीं है, इससे ज्यादा की हमारी इस्तेदाद भी नहीं है, इससे ज्यादा की हमें बात भी नहीं करनी चाहिए। ठीक, जितनी इंसान की कैपेसिटी हो उतनी जो है ना वो ना से बात करें। इलेक्शन के नतीज को सखजान ने बता दिया है कि टनाटन बोलना है आपने कि डाउन है भाई, फैसल क्या ईमानदारी से हुआ है? नहीं, 1900 पाकिस्तान की तारीख में पॉलिसी में मैं तो आपको जी जी फैसल साहब हाफिज साहब से आपने पूछा है ना, तो मैंने कहा जी जी वो मैंने चाह तो यही मुझे इजाजत देंगे। अच्छा चलें जी, हैं हाफिज साहब, हाफिज साहब, फैसल साहब जी मुझे पॉलिसी की जी जी मैं गुजारिश करूंगा कि मेरा भाई फैसल आज लगता है कि पता नहीं क्या हुआ है, कहीं कराची के पानी में तो नहीं कहीं फैसल भाई पैदल आना पड़ गया हो, जो इतना आज मायूसी वाली बातें कर रहे हैं, परेशानी वाली बातें कर रहे हैं। भाई पॉलिसी मैटर नहीं है, मैंने एक इतला है सख्त जान की, भाई एक सख्त जान की इतला है, आप ना माने। आप इतने ज्यादा परेशानी के आलम में, गम और हुजन में की कैफियत में, और बिना इस मुल्क को इंशाल्लाह कुछ होगा ना, आपको मुझे कुछ होगा ना, इस मुल्क की अवाम को कुछ होगा। इलेक्शन का दिन इंशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरेगा, और जो रिजल्ट, ये हमारी रिवायत है कि हमने इलेक्शन का रिजल्ट नहीं मानना। हमारी रिवायत है कि जो जीत के आता है वो कहता है मैं बिल्कुल पाक साफ जीत के आया हूं। इमरान खान साहब भी ये कहते थे, बल्कि वो तो अब कहना शुरू हो गया कि मैं ज्यादा सीटें जीता हुआ था, मुझे कम दे दी गई। उससे पहले मियां साहब आए थे, वो भी ये कहते थे कि मैं सही जीत के आया हूं। हारने वाला कहता है मैं गलत हार के आया हूं। लिहाजा बात यह है, आप इतने मायूस ना हो। कराची में भाई ना मैंने, ना याज खान साहब ने, ना अमर इलियास राणा साहब ने, हमने पानी नहीं छोड़ा। बारिश आई है और पानी सड़कों पे आया है, और ज्यादा दुआ करें आपकी कराची के लिए को अच्छी खालिद कयूम साहब अच्छी अच्छी लीडरशिप आए, जो आपको तकलीफ के माहौल में टीवी तक ना आना पड़े। खालिद कयूम साहब देखिए, आपके ख्याल में एक जुमला कह रहे थे मैं हाफिज साहब की, जितनी बातें ना एक हाफिज साहब की सारी बातों पे मैं एक जवाब कहता हूँ, आमीन आमीन। अमर इलियास राणा जज़ाकअल्लाह खैर, जो बात की है कि एक जमात के आजाद उम्मीदवारों के साथ भी मामला जो है वो हो चुके हैं, तो मैं उनकी बात को एंडोर्स करता हूं क्योंकि ये मामला जो है ये इलेक्शन डे से पहले ही तय हो जाते हैं। माजी में 2002 के इंतहाबात को अगर आप देखें तो जो उस वक्त पैट्रियार्ड पीपल्स पार्टी पैट्रियार्ड बनाई गई थी, ये पैट्रियार्ड इलेक्शन नतायज के बाद नहीं बनी थी, ये इलेक्शन डे से पहले ही इन लोगों के, पीपल्स पार्टी के इन लोगों के जो मामला थे वो उस वक्त आके जो ताकतवर हलके थे उनके साथ तय हो चुके। लेकिन जैसे वो दो तो 9 मई नहीं सी हुआ, 9 मई नहीं हुआ। अच्छा। था लेकिन मतलूबा नतायज नहीं मिल रहे थे, तो इसलिए उस खदशे के पेश नजर पहले ही जो है वो चीजें
तय हो चुकी थी, और दूसरा जो बिलावल भुट्टो के लहजे में जो तलखी आ रही है जिसका सवाल यहाँ उठाया जा रहा है, मैं आपको बताऊं कि बिलावल भुट्टो दरअसल जो उनकी माजी का पार्टी का एंटी नवाज शरीफ बयानिया है उसको दोबारा इस्टेब्लिश करने की वो कोशिश कर रहे हैं, और इस हवाले से जाहिर है एक माह से वो बड़े बोल्ड बयान जो हैं वो दे रहे हैं, और नून लीग की क्यादत ने फैसला किया कि बिलावल भुट्टो के बयान का कोई रद्द अमल नहीं देना। लेकिन मैं तो इसको कामयाबी उनकी समझता हूँ कि बेलाहर शहबाज शरीफ साहब तक नून लीग की जो तमाम क्यादत है वो बिलावल भुट्टो के बयान का रद्द अमल दे रही है। और ये जो इंतजामिया वाली बात की है, इंतजामिया को इस्तेमाल करने की बिलावल भुट्टो ने बात की है, ये दरअसल इसका पस मंजर ये है कि ये जो एक दो रोज पहले NA 127 में जो वाकया हुआ, जो पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं मियां मिसबाह रहमान, उनके जो जो कैंप था, उनका जो इलेक्शन हॉल था, वहां पर जो नून लीग के कुछ लोग जो है वो गए थे, और उस हवाले से उस तनाजर में जो है वो इंतजामिया पुलिस भी उनके हमरा थी, तो उस तनाजर में बिलावल भुट्टो का ये मुझे जो है वो रद्द अमल लगता है। जो एक सवाल आपसे, आप अभी कह रहे थे ना कि एंटी नून लीग जो बयानिया है, जो पुराना इनका बयानिया था, जाहिर है बिलावल उसको कैरी कर रहे हैं, लेकिन 16 माह में बिलावल इसी नून लीग के साथ हुकूमत में भी तो रहे हैं ना, आवाम से ये तासुर फिर कैसे खत्म कर लेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि वो हुकूमत का हिस्सा, PDM की हुकूमत का हिस्सा जरूर रहे, लेकिन जो 16 माह की हुकूमत थी जिसकी क्यादत साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के पास थी, वो दरअसल जो है वो नून लीग की हुकूमत ही जो है वो तसव्वुर होती थी। उसमें आप देखें कि उनकी तरफ से जो पब्लिक से मुतल्लिका जो वजारतें थी, जो अहम वजारतें थी, उनमें वो गए ही नहीं, आप वो वजारतें सारी नून लीग के पास रही, और जिस पार्टी का वजीर आजम हो हुकूमत उसकी ही तसव्वुर होती है, बाकी तो इत्तेहादी जमातें जो हैं वो हैं। और देखिए, एक और बात मैं करना चाहूंगा अगर आप मौका दें तो, इस सारे टेंशन के अंदर, इस सारे तनाव के अंदर जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान है, इसमें एक शख्स खामोश है, उसका नाम है आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी ने नून लीग के साथ, खास तौर पर नवाज शरीफ के साथ, अपने रابطے की विंडो खत्म नहीं की, उसको ऊपर रखा हुआ है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें कोई शक नहीं कि बिलावल भुट्टो जो है वो बड़े बोल्ड तरीके से एंटी नून लीग कंपेन जो है वो चला रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद की जो सियासत है वो मुख्तलफ होती है, और इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल है वो नतायज की बुनियाद पर फैसला होना है कि किस पार्टी के पास कितनी निशिस्तें हैं। फिर उसके आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, कोई सादा हुकूमत बनती नजर आ रही है? मुझे तो देखिए कि कोई पार्टी भी जो है इसमें कोई इसमें कोई शक नहीं कि नून लीग चाहती है कि उन्हें सादा अक्सरियत दस्तियाब हो मिले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी जो है वो सादा अक्सरियत जो है वो हासिल कर सकेगी, बल्कि एक मखलूत हुकूमत जो है वो इलेक्शन के बाद जो है वो नजर आ रही है। लेकिन एक बड़ा अहम सवाल जो है वो बिलावल भुट्टो जो उठा रहे हैं उससे मैं समझो इल्जामात वो लगा रहे हैं, मैं समझता हूँ इससे जो इंतहाबी नतायज हैं उनके मतनाजा होने का खदशा जो है वो इसमें जो है वो पैदा हो सकता है। फैसल साहब, क्विकली, वैसे आपका दिल क्या कहता है, सिंध आपने कराची में पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत देख ली, वैसे आपका दिल क्या कहता है किसकी हुकूमत होनी चाहिए? इन्होंने तो दिखाया था डांसिंग फाउंटेन, तो मेरा जी जल्दी मैं के तुम्हें चक्कर में आज तक पड़ा। अच्छा, दिल के चक्कर में तो मैं आपने आज तक पढ़ा ही नहीं है। लेकिन कल से कराची की सियासत में जो है ना एक बड़ी तब्दीली आई है, जो MQM लंदन के आजाद उम्मीदवारों ने उनकी हिमायत कर दी है, उससे कराची की सियासत में जो है ना एक बड़ा रंग आ गया, जो बड़ी खुश किस्म की जो है वो सियासत चल रही थी। अब देखना यह है कि इनको काम करने का मौका मिलता है या नहीं मिलता, अगर मुहिम चलाने का मौका मिलता है पहले या ना। नहीं, मैं तो पिकनिक जाता, मैं चाहता हूँ आवाम का सेक्टर कमांडर है, हुकूमत आ जाए। आप सबको प्रिया, आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।